हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 26। ठीक है सर, उस आदमी ने कहा। सिद्धार्थ ने पल्लवी पर उसे नजर रखने के लिए कहा, जब से किसी ने उसे ये बताया था कि वो अर्जुन, जो उसका दुश्मन है, उसके साथ लंच के लिए गई थी, तब से वो उस पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। पिछले 2 हफ्तों से वो कई बार बाहर मिले थे। ये देखकर कोई भी ये सोच सकता था कि वो उसे बाहर मनाने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों हर रोज लंच के लिए बाहर जा रहे थे, वो भी एक ही रेस्टोरेंट के उसी टेबल पर, और वही बातें किया करते थे। वो सिर्फ उसे देखना चाहता था। जब ये सब बातें उस आदमी ने सिद्धार्थ को बताई तो सिद्धार्थ ने उससे पूछा, इसमें कुछ अजीब बात है क्या? कोई ऐसी बात जिससे पता चल सके कि वो उससे बार बार क्यों मिल रहा है? आखिर उसने उससे अब मिलना क्यों शुरू किया है? आखिर उसका मकसद क्या है? ये सुनकर उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो क्यों मिल रहा है, हम तो सिर्फ उस पर नजर रख रहे हैं। तभी सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, वैसे थैंक यू मेरा ये काम करने के लिए, और मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें तुम्हारे काम की बहुत अच्छी कीमत भी नहीं दी है। तभी उस आदमी ने कहा, अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए तो कुछ भी। उसकी ये बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने फोन कट कर दिया। वो ये सोचकर कंफ्यूज था कि आखिर अर्जुन पल्लवी के पीछे क्यों पड़ा है। उससे किसी बारे में बात करना तो बेवकूफी है, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं है कि वो माफिया किंग है। तो फिर उसके पीछे पड़ने के लिए अर्जुन का क्या मकसद है? कहीं वो उसे किडनैप तो नहीं करना चाहता? हाँ, ये हो सकता है। उसे अपने आदमी को पल्लवी के साथ हमेशा रहने के लिए कहना होगा, उसे ये सब छिप कर करना होगा। वो नहीं चाहता था कि उसे ये पता चल जाए कि कोई उसे बचाने के लिए उसका पीछा कर रहा है। ये सोचकर सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और उसने अपनी पैंट की सलवटों को ठीक किया। वो पल्लवी से बात करने के लिए जा ही रहा था कि वो खुद गुस्से में तिलमिलाती हुई स्टडी रूम की तरफ आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से से पागल हो चुकी हो। सिद्धार्थ उसे ऐसे देख सोच में पड़ गया कि आज इसे क्या हो गया है, क्योंकि आज तक उसने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। वो कभी किसी पर इस तरह गुस्सा नहीं करती थी और उसके यही बात तो उसे बहुत पसंद थी। तभी अचानक पल्लवी ने जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद मुझे बताओगे या फिर? ये सुनकर सिद्धार्थ ने हैरानी से कहा, बताऊंगा, वो भी खुद, लेकिन क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो पल्लवी। हाँ तुम। ये कहते हुए पल्लवी ने गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखा। उसे ऐसे गुस्से में देखकर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर कहा, सॉरी, लेकिन तुम्हें मुझे खुलकर बताना होगा डार्लिंग कि क्या बात है। तो सुनो, तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को मेरे पीछे लगा रखा है, इसका मतलब है कि तुम मुझ पर निगरानी रख रहे हो। मैं तुम्हारे साथ आंसू बहाने के लिए रह रही हूँ। तभी पल्लवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, ओ वो, ये तुम जानती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस बारे में तुमसे बात करने ही वाला था। उसकी बातें सुनकर पल्लवी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने गुस्से से झिल्लाते हुए कहा, बात करना चाहते थे, साफ साफ कहो सिद्धार्थ। तभी सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम और अर्जुन किस बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर पल्लवी ने बड़ा ही सीधा सा जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों तो यूं ही बातें कर रहे थे। क्यों? तभी फिर से सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम कंपनी के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे थे, शायद हमारी कंपनी की कुछ नई पॉलिसीज के बारे में? तभी पल्लवी ने उसकी तरफ देखकर जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं करते हैं, हाँ ये है कि वो आजकल कुछ बदल सा गया है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देख पूछा, तो फिर ये बताओ कि कैसा बदलाव, तुम बताओगी मुझे इस बारे में कुछ? क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो ये जानना चाहता था। अच्छा तो सुनो, एक्चुअली वो मुझे बार बार तुम्हें छोड़कर अपने पास आने के लिए कह रहा था। वो कह रहा था कि उसे मेरी वजह से अपनी शादी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और वो मुझसे अक्सर पूछता रहता है कि उस समय तुम कहाँ हो। क्या उसके इस सवाल का कोई और मतलब है? ये कहते हुए वो सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी और उस समय वो इतनी मासूम लग रही थी कि सिद्धार्थ अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके पास आकर उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम चिंता मत करो इसके बारे में। वो उसे ये विश्वास दिलाना चाहता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि वो डरे नहीं, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वो ये सच बर्दाश्त कर पाएगी कि वो एक माफिया गैंग का बॉस है
और उसकी खुद की शादी भी एक माफिया किंग से हुई है। तभी पल्लवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है अगर तुम कहते हो तो, लेकिन ये तो है कि तुम्हें इस तरह मुझ पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। किसी और के लिए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो या नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो, ठीक है? आ गई बात समझ में? ये कहते हुए पल्लवी ने अपना हाथ सिद्धार्थ के गाल की तरफ बढ़ाकर उसके गाल को सहलाया और उसकी तरफ देखकर उसके चेहरे पर आते हुए बालों को ठीक करके मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो फिर तुम इसके बाद उससे फिर कभी नहीं मिलोगी, ठीक है? पहले तो सिद्धार्थ को डर था कि वो उसकी ये बात मानेगी या नहीं, लेकिन जब ये सुनकर पल्लवी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर ठीक है कह दिया तो उसके दिल को तसल्ली हुई और उसे एहसास हो गया कि वो इस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब उसे ये भी पता चल गया कि वो खुद नहीं जानती है कि उसने ऐसा करके क्या किया है उसके लिए। तभी पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सिद्धार्थ, मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगी, ठीक है अब तो? ये कहते हुए वो सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, थैंक यू पल्लवी मेरे लिए ये करने के लिए, तो फिर चले कमरे में? ये सुनकर पल्लवी ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। उसके ऐसा कहते ही सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। शादी के बाद पहली बार उसने इस तरह उसे छुआ था। उसे गोद में उठाकर वो उसे अपने कमरे की तरफ ले गया और दरवाजा खोलते ही उसने उसे धीरे से बेड पर लिटाया और कहा, यहीं ऐसे ही लेटी रहो पल्लवी। ये कहते हुए वो धीरे से अपना कोट उतारने लगा और उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू किए। इस समय उसकी नजरें पल्लवी पर ही थी। वो वहां चुपचाप लेटी हुई बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। और फिर धीरे से वो उसके करीब गया और इसी तरह वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में खो गए। उनकी शादी को वैसे तो 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन सही शब्दों में आज वो दोनों एक हुए थे। अगले दिन ऑफिस से अर्जुन ने पल्लवी को लंच से पहले कॉल किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, क्योंकि पल्लवी ने अभी तक अर्जुन को कुछ बताया नहीं था। इसलिए उसने सीधे पल्लवी से पूछा, हेलो पल्लवी तुम कैसी हो? अर्जुन के ऐसे पूछते ही पल्लवी ने जवाब में कहा, हेलो अर्जुन मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? उसके बात करने के अंदाज से अर्जुन को उसमें कुछ बदलाव का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने अपनी बोहों को सिकोड़ते हुए उससे पूछा, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? आज तुम्हारी आवाज हमेशा की तरह नहीं लग रही है, तुम ठीक तो हो? ये सुनकर पल्लवी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? ये मेरा लंच टाइम है। उसके मुंह से ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने पल्लवी से पूछा, पल्लवी आज तुम कुछ अजीब तरह से बात क्यों कर रही हो? मैं तो बस तुमसे तुम्हारी खैरियत पूछ रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर पल्लवी ने अचानक अकड़ दिखाते हुए कहा, ये बहुत अच्छी बात है अर्जुन, लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। वो बस अर्जुन को अपने आप से दूर रखने के लिए इस तरह अकड़ कर बात कर रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे अर्जुन के साथ कहीं बाहर जाने को मना किया था। वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ को उसका अर्जुन के साथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तभी अर्जुन ने उससे कहा, वाओ अब तो तुम अपने पुराने दोस्तों के साथ कैसे बात करनी है ये भी भूल चुकी हो, है ना? पल्लवी मैं तुमसे प्यार करता था तो तुम मुझसे इस तरह बात करोगी? उसका ये सवाल सुनकर पल्लवी ने सीधे से जवाब देते हुए कहा, नहीं लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम सीधे मुद्दे की बात पर आ सकते हो प्लीज? उसे इस तरह पल्लवी का अकड़कर बात करना कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है मैंने तो तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि हम लोग लंच के लिए मिलने वाले हैं। मैं तो बस देख रहा था कि कहीं तुम बिजी तो नहीं, वरना हम मिलने के लिए कोई और टाइम सेट कर सकें। ठीक है अर्जुन, लेकिन इस समय मैं बहुत बिजी हूँ और ऑफिस में ही लंच कर रही हूँ, और मुझे लगता है मैं इतने बिजी शेड्यूल में यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी, तो आई एम सॉरी लेकिन शायद हम बाद में ही मिल पाएंगे, ठीक है? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, सॉरी किस लिए? अर्जुन उसकी बातें सुनकर हैरान था कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। अभी कल ही तो उसने आज मिलने की बात कही थी और उसने कहा था कि वो उसे उसकी कंपनी में काम करने के एक्सपीरियंस को उसके साथ शेयर करेगी, और आज की मीटिंग को लेकर वो खुद भी काफी एक्साइटेड था,
क्योंकि उसे लगा था उसकी बातों से उसे सिद्धार्थ का कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर पता चल जाएगा। उसे कंफर्म तो नहीं था कि उसे आज ही पता चल जाएगा सब कुछ, लेकिन उसने प्लान तो किया था कि बातों ही बातों में वो उससे जानने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर रही है अब। लेकिन क्यों, उसे समझ ही नहीं आ रहा था और वो इस तरह चुप नहीं बैठ सकता। अभी वो ये सोच ही रहा था कि पल्लवी ने सामने से पूछा, हेलो अर्जुन, तुम मेरी बात सुन रहे हो? वो अपनी बात को फिर से दोहराना नहीं चाहती थी। तभी अर्जुन ने कहा, हाँ तुमने जो कहा वो मैंने सुना, लेकिन मैं कुछ कंफ्यूज हूँ। ये सुनकर पल्लवी ने झट से कहा, कंफ्यूज, लेकिन क्यों? तभी अर्जुन ने कहा, हाँ क्योंकि कल तक तो तुम मुझसे खुद मिलना चाहती थी और आज तुम मुझसे मिलने के लिए ऐसे मना कर रही हो, पल्लवी कोई बात है क्या? ये सुनकर पल्लवी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तभी अर्जुन ने झट से कहा, मुझे लगता है तुम्हें किसी ने मुझसे मिलने के लिए मना किया है। सही कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है जिसने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मना किया है? उसने सवाल तो बिल्कुल सही पूछा था, लेकिन पल्लवी भी उसे सच कहाँ बताने वाली थी, इसलिए पल्लवी ने कहा, देखो अर्जुन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या पूछ रहे हो, और मुझे अभी बहुत काम है इसलिए मैं फोन रख रही हूँ। ये कहते हुए पल्लवी फोन रखने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है रुको फोन मत रखना, इस बात को यहीं छोड़ते हैं, लेकिन पल्लवी मैं सच में तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर पल्लवी ने जवाब देते हुए कहा, आई एम सॉरी अर्जुन, लेकिन मैं अब तुमसे और नहीं मिल सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा, तुम्हें समझना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, लेकिन पल्लवी मैं नहीं समझ सकता, प्लीज पल्लवी मुझे समझाओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुम जानती हो मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुन सकता, और जब तक तुम मुझसे मिलने के लिए हाँ नहीं कह देती मैं फोन नहीं रखूंगा। सुना तुमने पल्लवी मैंने क्या कहा? ये सुनकर पल्लवी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ तुमसे अब। तभी अर्जुन ने झट से कह दिया, बस यही कि आज तुम मुझसे मिलने आ रही हो और क्या। इस पर पल्लवी ने झट से जवाब दिया, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता है। पल्लवी, क्या तुम आज के बाद मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती हो? आई लव यू पल्लवी, मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी तक तोड़ने के लिए तैयार हूँ, और तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती? ओ, अब समझ आया, ये काम जरूर उस सिद्धार्थ का होगा, उसी ने मना किया है ना तुम्हें? वही है जो रिश्तों के नाम पर किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। मानता हूँ वो तुम्हारा पति है, लेकिन तुम उसे इस तरह अपने आप को कंट्रोल करने कैसे दे सकती हो? क्यों पल्लवी क्यों? क्या लगता है जिस तरह से तुम उससे प्यार करती हो वो भी तुमसे वैसे ही प्यार करता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए इस तरह रोकता नहीं। पल्लवी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, उसने इस बात को इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि हो सकता है अर्जुन सही बोल रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि सिद्धार्थ को उसकी फिक्र है और उसने उसके भले के लिए ही उसे मना किया होगा, और वो उसका कहना टाल नहीं सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे ऐसा लगे कि वो उसकी बात नहीं मानती है। और जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो अर्जुन ने कहा, पल्लवी तुम सुन तो रही हो ना मैंने जो कहा अभी? अर्जुन के ऐसे कहते ही पल्लवी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है तो अर्जुन, मैं आज तुमसे मिलने आ रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बहस में जीत गए मुझसे। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन को हंसी आ गई, जो पल्लवी भी सुन सकती थी। और अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो है, लेकिन इस बहस ने मेरी भूख को और भी बढ़ा दिया है, इसलिए मिलते हैं थोड़ी ही देर में। ठीक है, बाय, कहकर पल्लवी ने फोन रख दिया। वो जानती थी कि वो सिद्धार्थ के खिलाफ कुछ करने जा रही है, लेकिन बस वो ये चाहती थी कि काश उसे अपने इस फैसले पर पछताना ना पड़े। पल्लवी ने एक बार फिर अर्जुन से मिलना जुलना शुरू कर दिया, और जिस दिन से अर्जुन ने उसे मनाया था उसके बाद तो वो दोनों बार बार मिलने लगे। और ये बात सिद्धार्थ जानता था, क्योंकि अभी भी उसने अपना एक जासूस उन दोनों के पीछे छोड़ रखा था। सिद्धार्थ ये जानकर गुस्से से पागल हो चुका था, लेकिन उसने अपने इस गुस्से को दबा कर रखा था, और उसका गुस्सा होना तो जायज भी था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने पल्लवी को मना किया था, और उस दिन उन दोनों के बीच जो हुआ उसके बाद वो दोनों एक ही कमरे में सोने लगे थे। अब तो वो पूरी तरह से उसकी हो चुकी थी, अब तो वो उसकी कई बातों का ख्याल भी रखने लगा था, उसकी हर छोटी बात पर उसकी नजर रहती थी। उसे बाथरूम में नहाते हुए वो शावर की आवाज सुन सकता था। आज सुबह सुबह जैसे ही वो नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ पिछले कुछ दिनों से सब कुछ कैसा चल रहा है? तभी सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा,
सब कुछ ठीक ही है, बस मैं कुछ दिनों से कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर पल्लवी ने कहा, ओ कहीं अर्जुन से रिलेटेड तो नहीं? अरे हाँ, वो कैसा है? अर्जुन ने ये पूछते हुए अपनी उंगलियां लैपटॉप पर ही रोक दी और उसकी तरफ देखने लगा। और अभी तो पल्लवी नहाकर ही बाहर आई थी, इसलिए उसके बदन पर सिर्फ टॉवल के अलावा और कुछ नहीं था, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। अब वो समझ गया था कि अर्जुन उसे क्यों नहीं छोड़ना चाहता है। तभी पल्लवी ने कहा, हम दोनों फिर से मिलने लगे हैं और मैं खुद तुम्हें ये बात बताने ही वाली थी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, ओ चिंता मत करो, ये बात मुझे मेरे जासूस ने पहले ही बता दी है कि तुम बेस्ट फ्रेंड्स हो। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, वैसे तो हमारी दोस्ती को मैंने ये नाम नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है, पल्लवी ने धीरे से हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ को उसकी हंसी बहुत पसंद थी और अब तो वो जब से दोनों एक साथ एक कमरे में रहने लगे हैं, तब से हर दिन पल्लवी के लिए उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। और फिर वो बेड से उठा और उसके पास जाकर उसने अपने दोनों हाथ पल्लवी की कमर में रख दिए और उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहने लगा, तो फिर तुम दोनों के बीच क्या है? ये कहते हुए सिद्धार्थ ने अपने होंठ उसके गर्दन पर रख दिए और प्यार से उसे चूमने लगा। तभी सिद्धार्थ की इस प्यार भरी छूहन का एहसास करते हुए पल्लवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ खास नहीं, हम लोग बस दोस्त हैं। तभी सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन उसकी तरफ से ऐसा नहीं लगता, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? मेरा मतलब है, उसकी मंगेतर भी है, फिर भी वो अपने स्कूल टाइम के क्रश से मिलने जुलने में लगा हुआ है, क्या तुम्हें ये सब ठीक लगता है? सिद्धार्थ ने ये सब उसे किस करते हुए बीच में कहा। उसका एक हाथ उसकी कमर में था, जिससे वो धीरे धीरे उसे सहला रहा था और फिर वो उसके बोलने का इंतजार करने लगा। तभी पल्लवी ने कहा, क्या मतलब सिद्धार्थ, क्या तुम बताओगे कि तुम क्या कहना चाहते हो? ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बिजनेस में मेरा कॉम्पिटिटर होने के बावजूद मैंने तुम दोनों को मिलने से नहीं रोका, बस मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जरा उससे संभल कर रहना, क्योंकि मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।